तो दोस्तों आज 26 अगस्त 2021 गुरुवार का दिन हो चुका था। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। शिक्षा विभाग की ओर से फ्री डीएलएड का आयोजन 31 अगस्त को ही किया जाएगा। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में 4.71 लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। आपको बता दें पंचायत चुनाव के कारण इन पंचायत समितियों में प्री डीएलएड के परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल हो रहे 4.71 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रदेश भर में 2597 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जयपुर जिले में सबसे अधिक 137 परीक्षा केंद्र होंगे। पीटीटी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट की संभावित तिथि घोषित हो गई है। पीटीटी 2021 का आयोजन 8 सितंबर 2021 को किया जा सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पूर्व जारी किए जाएंगे। इस तरह एडमिट कार्ड 30 अगस्त तक जारी किए जाएंगे। इसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा। राजस्थान में प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का आयोजन बीए बीएड और बीएससी बीएड के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम व बीए के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए होता है। आपको बता दें पीटीटी का आयोजन राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर के द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष पीटीटी 2021 के लिए करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 26 सितंबर को ली जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 अजमेर सहित प्रदेश के सभी जिलों में 4200 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि परीक्षा आयोजन से 15 दिन पूर्व बोर्ड अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करेगा। रीट में 16.40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के पृष्ठ होने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा का एक ही दिन में आयोजन बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती है। बोर्ड अध्यक्ष और रीट समन्वयक डॉक्टर डिपिजरोले ने संकेत दिए कि बोर्ड प्रयास कर रहा है कि रीट में बैठने वाली महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े। कोशिश है कि अधिकतर जिलों में गृह जिले में ही महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए जाएँ। वहीं आपको बता दें बोर्ड द्वारा रीट अभ्यर्थियों को भाषा संशोधन के लिए 31 अगस्त तक का अवसर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा 2016 के तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अभ्यर्थियों से सहमति असहमति पत्र मांगे जाएंगे, जिसके तहत सहमति असहमति मांगने से पोस्टेड अभ्यर्थियों की छटनी हो जाएगी। इसी बीच साथियों एक जरूरी सूचना है कि आप हमारे ज्ञानधारा हरसोली टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हम आपके लिए बीएसटीसी पीजीटी रीट पुलिस पटवार स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट समय समय पर सबसे पहले अपडेट करते ही रहते हैं। इसी के साथ आप हमारे ब्लॉग ज्ञानधारा हरसोली.blogspot.com पर भी विजिट करते रहिएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बुधवार को अंग्रेजी विषय के सभी रिक्त पद भरने के आदेश जारी किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट अक्टूबर एग्जामिनेशन 2021 के लिए दोबारा आवेदन मांगे। योग्य भर्ती 5 सितंबर यानी 2021 तक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने बीएड जनवरी 2021 सत्र के लिए 11 अप्रैल 2021 को संपन्न हुई प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। प्रदेश में 1 सितंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूल शुरू होंगे, जिसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एसओपी भी तैयार कर लिया है। स्कूलों में न सिर्फ बच्चों को दूर बैठाया जाएगा बल्कि आने का समय भी अलग अलग होगा। एक पारी स्कूलों में 9वीं-11वीं के विद्यार्थी सुबह 7:30 बजे और 10वीं-12वीं के विद्यार्थी 8 बजे स्कूल आएंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत अब शाला सिद्धि से पता चलेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्था नीपा की ओर से विकसित किए गए राष्ट्रीय स्कूल मानक और मूल्यांकन कार्यक्रम शाला सिद्धि के तहत स्कूलों को शिक्षकों और बच्चों को पूरा ब्यौरा देना होगा। कॉलेज शिक्षा विभाग डिजिटल क्विज थॉन का आयोजन करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने और देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में युवाओं को जागरूक किया जाएगा। शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस आशय के निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा SC/ST अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग और BPL परिवारों की छात्राओं के लिए शुरू किए गए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों ने बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसमें 10वीं में 100%, वहीं 12वीं बोर्ड में इस साल परिणाम में 99.90% तक योगदान रहा। तो दोस्तों ये थी आज 26 अगस्त 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बन रहे हैं हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। BSTC PTT रीट पुलिस पटवार स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे।
साथियों, BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवारी, स्कूल, कॉलेज शिक्षा को समर्पित इस चैनल पर हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।